लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है जैसे कि इको फ्रेंडली पर्यावरण चौपाल सी यहां पर लग गई है। शक्तेश्वर पार्क का ये पूरा का पूरा नजारा है जहां स्थानीय लोगों के साथ बिरला बातचीत कर रहे हैं। और बिरला साहब, आपने बातचीत से पहले यहाँ कदम का पौधा भी रोपा है। आज पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी को सुरक्षित रखना हम सबका करते हुए दायित्व है और इसलिए बदलते जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पूरा विश्व भी चिंतित है। भारत विशेष रूप से जलवायु के प्रति हमेशा सचेत रहा है। हमारी प्राकृतिक के प्रति संरक्षण और हमारी धार्मिक आस्था भी है। हम इसीलिए पेड़ की पूजा करते हैं और इसीलिए हर जगह जन संकल्प के साथ हम पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पेड़ हो, ये सब हमारे आध्यात्मिक रूप से पूजा करते हैं। और हमारा मानना है कि सूर्य देवता रोशनी देता है, अग्नि देवता और पेड़ तो संरक्षण जीवन का करते हैं। इसलिए आज पूरे विश्व के अंदर पृथ्वी दिवस के रूप में भारत में भी हर व्यक्ति संकल्प ले कि हमें इस पृथ्वी को हरा भरा रखना है और जलवायु परिवर्तन होने वाले परिवर्तन से संरक्षण करना है। सर, जो बहुत सारी मुहिम आप लेकर के चलते हैं उसमें ग्रीन कोटा भी आपकी एक मुहिम रही है और कई बार स्वास्थ्य और पर्यावरण को आपस में जोड़ने के लिए ओपन जिम जैसा भी आपने एक अभियान चलाया था। व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रहे इसके लिए जो शहरों और गाँव के अंदर जो कुछ भी हमारे खुले मैदान हैं, गाँव के अंदर कुछ गार्डन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाओं को भी कराने का ताकि गांव-गांव खेल प्रतिस्पर्धा निकले, मन स्वस्थ, तन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे और उसके साथ साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने का अभियान। पिछली बार भी हमने व्यापक रूप से गांव में विशेष रूप से फलदार पौधे लगाने का अभियान चलाया था। 1 लाख से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आह्वान किया कि वह फलदार पौधे लगाएँ ताकि फलदार पौधे से एक हमारा प्रदूषण से भी हम सुरक्षित होंगे और गांव में पेड़ लगाने से, फलदार पौधा लगाने से जो उसकी आमदनी आएगी उससे उसकी रोजी रोटी चलाने का काम चलेगा। एक शुरुआत है, प्रयास है, आने वाले समय हमारी कोशिश है कि व्यक्ति पेड़ भी लगाएगा और उससे आमदनी भी होगी ताकि आर्थिक रूप से भी वो मजबूत होगा। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं और दौरे की शुरुआत के साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।